इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई केवाईसी करवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट पड़ेगा, आधार ओटीपी के द्वारा जो हो रहा है वो, या फिर आपका फिंगरप्रिंट के द्वारा जो हो रहा है वो, कौन सा बेस्ट पड़ेगा। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब यहाँ पे वेबसाइट पे शुरू शुरू में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ई केवाईसी जो फिंगरप्रिंट के द्वारा तो बाद में हुआ है, लेकिन जो आधार ओटीपी के द्वारा हुआ था वो बहुत पहले ही शुरू शुरू स्टार्टिंग में यही वाला यहाँ पे ई केवाईसी हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनको नहीं पता था, और जिन लोगों को पता था वो अपना आधार ई केवाईसी जो है यहाँ पे ओटीपी के द्वारा करवा लिए थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो वहाँ पे वो किसान यहाँ पे कन्फ्यूजन में है कि अब यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस से हो रहा है और आधार ऑथेंटिकेशन से हो रहा है, अब यहाँ पे कुछ चार्ज भी लग रहे हैं जो कि पहले फ्री था, बिल्कुल वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में हैं कि अब क्या होगा, हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इस कन्फ्यूजन से दूर रहिए, क्योंकि ई केवाईसी किसी भी तरह से हो, आपका ई केवाईसी हो गया है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हम इसके बारे में वीडियो बना दिए हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके उसको देख करके आप चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आप केवाईसी करवाए हैं किसी भी, चाहे बायोमेट्रिक के आधार ऑथेंटिकेशन से या फिर बायोमेट्रिक से, आप वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे बताएगा कि ऑलरेडी आपका ई केवाईसी हुआ है। अगर नहीं बताता है तो आप फिर से वहाँ पे ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से करवाएं, चाहे आधार ओटीपी के द्वारा या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा, दोनों तरह से ओटीपी यहाँ पे जो है ई केवाईसी मान्य है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बात अब आती है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 31 यानी कि 1 अप्रैल को जो जारी होगा पेमेंट किसानों का 2000 रुपये 3 महीने में जो आता है वो जारी होने वाला है, तो कौन कौन से किसानों को मिल सकता है और कौन कौन से किसानों को नहीं मिल सकता है, इसके बारे में भी लोगों के पास कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ है उनको मिलेगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पे दे सकती है, अगर नहीं चाहे तो उसमें कुछ भी कोई भी रास्ता नहीं है। ई केवाईसी सबके लिए मैंडेटरी था, जब यहाँ पे स्टार्ट किया गया था तो बहुत सारे किसान इसको नहीं मान रहे थे, और ई केवाईसी कुछ लोगों को जानकारी थी तो कुछ लोगों को नहीं थी, जिन लोगों का जानकारी था वो लोग अपना करवा लिए थे, जिनको नहीं जानकारी थी वो नहीं करवा पाए थे। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डेट भी बढ़ाया गया है, और यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें जो लगता है कि 31 मई को जो जिन किसानों का पेमेंट नहीं आया है उनका आ भी सकता है, और अगर नहीं आएगा तो जो नेक्स्ट वाला किस्त मिलेगा उनमें उनका पूरा पेमेंट आएगा, क्योंकि तब तक वो अपना ई केवाईसी करवा चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जानकारी थी, और आपके लिए बेस्ट यही है कि जिस तरह से भी ई केवाईसी प्रेजेंट में चल रहा है आप उसी तरह से ई केवाईसी करवा लें, अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, और स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करवा पाते हैं किसी भी कारण से तो आप सेंटर में सीएससी सेंटर पर जा करके वहाँ अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। किसी भी तरह से आप ई केवाईसी करवाएंगे तो वो मान्य होगा, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।